आनंद पाएंगे। समझ लीजिए, अब आपका ये ग्राम सभा चौबारा नहीं है, ये आपका ग्राम सभा चौबारा नहीं है, ये हमारा शहर बिजनौर शहर है, ये हमारा शहर बिजनौर शहर है। इस बिजनौर शहर में ग्राम जगापुर है, उस ग्राम सभा जगापुर के जाने माने जमींदार बाबू जगन्नाथ जाहिल जी पधार रहे हैं। शंकर खुश रहो, खुश रहो लाल बहादुर। और कहे लाल बहादुर क्या हाल है? बढ़िया है बाबू साहब, आपने सुना भाई। बाल बच्चों का क्या हाल है? बढ़िया है, अच्छी बात है। लेकिन लाल बहादुर, हाँ बाबू जी, अबे तू तो जानता है कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, हाँ। मेरा नाम क्या है और साथ ही साथ मेरे परिवार की कहानी क्या है? लेकिन दूर दराज से आए हुए साथी ये नहीं जानते कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, साथ ही साथ मेरा नाम क्या है। सही बात है। आप आए हुए भाइयों से मेरा परिचय बता दे लाल बहादुर, फिर उसके बाद आगे कहानी बताता हूँ। देखिए बाबू साहब, आपके इस हवेली में काम करते हुए मुझे काफी दिन बीत गया, लेकिन आज तक बाबू साहब आपका नाम अपने जुबान से कभी नहीं लिया। ये तो सही बात है लाल बहादुर, क्या तक तूने सम्मान किया है, हाँ बाबू, इज्जत किया है और इज्जत करता भी है। तो लाल बहादुर, तेरा कहने का मतलब कि नए हुए साथियों से आप अपने परिचय में खुद बता दूं। वाह लाल बहादुर वाह। हाँ, तो दूर दराज से आए हुए समस्त कला देखने वाले भाइयों से सबसे पहले जय राम जी करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है जो कि आज आप लोगों का दर्शन हुआ। साथ ही साथ मैं अपना परिचय बता देना चाहता हूँ। जिला बिजनौर ग्राम जगापुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम जगन्नाथ जाहिल है, लोग मुझे जगन्नाथ जाहिल के नाम से जाना करते हैं। साथियों, मेरी पहली पत्नी का नाम सरस्वती था। सरस्वती के गोद से पैदा हुआ मेरे पास एक बेटा है जिसका नाम पंकज कुमार है। पंकज कुमार के पैदा होने के कुछ समय बाद पंकज कुमार की माँ सरस्वती ये दुनिया पंकज कुमार की माँ सरस्वती ये दुनिया छोड़ करके भगवान को प्यारी हो गई। मैं घूमने टहलने वाला इंसान, आज यहाँ तो कल वहाँ, वहाँ। मैं सोचा मेरे बेटे पंकज की परवरिश कौन करेगा, देख रेख कौन करेगा। यही सोचकर मैं अपनी दूसरी शादी बता लिया और उस पत्नी का नाम पार्वती है।, है। पार्वती के गोद से पैदा हुआ मेरे पास एक बेटा है जिसका नाम संतोष कुमार है। साथियों, मैं अपने बड़े बेटे पंकज की जब शादी किया था बड़े धूमधाम से किया, अच्छे खानदान में किया, अच्छा दहेज मिला, अच्छी सी बहू आया। और ये संतोष बिना मुझसे पूछे अच्छे अपनी शादी एक अनाथ एक बेसहारा लड़की से जाकर कर लिया। अबे लाल बहादुर, हाँ बाबू, उस बहू का नाम सावित्री देवी है और पंकज कुमार की पत्नी का नाम कलजुगही देवी है। अबे लाल बहादुर, हाँ बाबू, आज एक महीने से इस गांव देश के ताने सुनते सुनते मैं उठ गया। अबे किस लिए? अबे हर इंसान यही कहता है कि जगन्नाथ जाहिल एक लड़के की शादी कितने धूमधाम से किए, एरिया में तहलका मच गया। और दूसरा लड़का कैसा है जो कि बिना घर के गार्जियन से पूछे अपनी शादी एक अनाथ एक बेसहारा लड़की से जाके मंदिर में कर लिया। अबे मेरा और
मेरे खानदान का बहुत बड़ा अपमान हुआ है। आज मैं चल रहा हूँ संतोषवा के पास, आगे उससे कहूंगा कि बेटा मेरी बात मान, अपनी बीवी सावित्री को घर से मार के भगा दे, मैं तेरी दूसरी शादी करूंगा। अगर मेरी बात मान लेता है ठीक है, या लता बाप बेटे की कहानी दुश्मनी में बदल जाएगी। बे नमस्कार नमस्कार, और कहिए लाल बहादुर। बढ़िया हूँ भैया। अरे बढ़ावते हैं राजू, एक बढ़ावा ये साउंड हो बेस कम हो गया है। पर आए चाहे तनी हैवी मशीन लगी है। हेलो, और बढ़ावा देखा एक फेंके जे। हेलो, किया हुए भाइयों से, हाँ हाँ बहनों से, बुजुर्गों से, बच्चों से, क्या सबसे तुमने मेरा परिचय बताया? देखा भैया थोड़ा बहुत जरूर बताए है, लेकिन मुख्य जवन है वो का आप बताओ भैया। ठीक है, तुम्हें मेरा परिचय नहीं बताना चाहते हैं? हाँ हाँ, इस सरजमी पे तशरीफ लाए आप सामिन हजरात, पिता तुल्य बुजुर्ग, हम उम्र साथी, इस देश के माँ बहन व भावी कर्णधार बच्चे, मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी पार्टी की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं पगबंधन करता हूँ। बाबू आप सब मेरा परिचय लीजिए कि मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं। साथ ही मेरा नाम संतोष कुमार है, मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं शहर बिजनौर गांव जगापुर का रहने वाला हूं। मेरे बाबूजी हैं, बाबूजी का नाम श्री जगन्नाथ जाहिल है, माँ जी हैं, माँ जी का नाम पार्वती है, राम जैसे बड़े भैया हैं, बड़े भैया का नाम श्री पंकज कुमार है, घर में माँ स्वरूप भाभी है, भाभी का नाम कलजुगही देवी है। लाल बहादुर, हाँ भैया, मैंने भी अपनी शादी कर लिया यार। तो आप शादी कर लिया है? हाँ, हम तो भैया अब चला गए हैं चक्कर में कि आप चौमसा ही हैं। मैं जिस लड़की से शादी किया वो एक अनाथ, एक बेसहारा लड़की है। भगवान को साक्षी मानकर उसे अपनी अर्धांगिनी बनाया। मेरी पत्नी का नाम सावित्री है। वाह भाई, सावित्री के कोख से जन्मा मेरा बेटा, मेरे बेटे का नाम शिवम कुमार है। बहुत सही है, बहुत सही। मेरा बेटा बड़ा हो गया है, इस वक्त वो पढ़ लिख ले रहा है, और मेरा दूसरा अंश सावित्री के कोख में पल रहा है। यानी कि आप दो दो बच्चे के पिता हो गए। मैं उस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, रात दिन यही दुआ करता हूँ कि या मेरे मालिक, जिस तरीके से मेरा घर ये खुशहाल रहता है, मेरा परिवार खुशहाल रहता है, उसी तरीके से सबका घर खुशहाल रखना मालिक, सबका परिवार खुशहाल रहे। बहुत है भैया। लेकिन लाल बहादुर, हाँ भैया, मेरे बाबूजी ना जाने क्यों बदले बदले नजर आते हैं यार। बहका बहका दिखाता है। क्या तुम कुछ बता सकते हो? क्या बताए भैया, हमारे तो दिमाग में आवत है, काज घरम है, कुछ बात होता रहा तो समझ में आवत है। दरअसल बात यह है भैया, जो आप अपनी शादी एक अनाथ में सहारा
एक गरीब लड़की से किए हैं और वो भी अपने मर्जी से कर लिए, अब बिना दहेजा दहेज के शादी किए हैं। अब बाबू जी कौन दहेज ना पाए हैं, यही कारण है कि जो कि आपसे नाराज रहते हैं भैया हो। अगर पिताजी दादा, मुझे भी ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लग रहा कि शायद मेरी शादी में बाबूजी को दहेज नहीं मिला और बड़े भैया की शादी में बहुत, बहुत। बाबूजी को बहुत दहेज मिला। ठीक है, अगर आज बाबूजी आ जाएंगे तो उनसे इस बात को पूछेंगे कि बाबूजी आखिर मुझसे नाराज क्यों रहते हैं। सही बात है, ये नाराजगी का कारण क्या है। हाँ। ये हमारे तुम्हारे फर्ज, चलो बैठ कर, चलो बैठ कर भैया। इस भैया बाबू लोग बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। पार्टी के मालिक हमारे लल्लू हीरो जी आएंगे तो हमको कुछ सुनाएंगे। तो भैया आप आ गया है, आप अपने मुखार बिंद से भैया हमें कुछ सेवा कर दिया। अच्छी बात है। हाँ। ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ चंद लम्हों में, चंद समय में, चंद मिनट में। ये हमारे प्रधान जी जो हमारे गुरु जी है और साथ साथ हमारे डॉक्टर साहब, और मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आप सबको बेहद पसंद आएगा। मजबूर हूं लेकिन क्या करूं, आपकी सेवा कर रहा हूं। बात उस समय की है, बात उस समय की है जिस समय सीता जी लंका के अंदर थी और भगवान रामचंद्र जी अपनी मुद्रिका देकर अपने प्रिय भक्त हनुमान से कहते हैं कि ऐ मेरे प्रिय भक्त हनुमान जी, ये मेरी मुद्रिका ले जाकर मेरी प्रिय सीता को दे देना, ताकि उनके दिल को यह तसल्ली हो जाए कि हम इस लंका में आ गए हैं, प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें विश्वास हो जाए। आप सब सुनिए, बहुत पसंद आएगा। यार फसा क्यों मोह में बंदे, जरा कुछ ख्याल तो कर ले कि फसा क्यों मोह में बंदे, जरा कुछ ख्याल तो कर ले कि विधाता से किया वादा, तेरी बजट घाटे में है, तेरा कमाया लाख फिर भी अंत में जाएगा तू भूखा। चार के बारिश भाई, पांच के बारिश में भीगत भीगत ही पोजीशन हो गया कि गांव की हिम्मत ही नहीं पड़ता। गुरु जी कि दिया जब राम ने मुंदरी, जपू राम ने मुंदरी तो उस मुंदरी लिखा था,
जगह पुराना मेरी सीट के फिर से बनावा फिर से बनावा कि नगह पुराना मेरी सीट के लिखा था गए हनुमान लंका में लगी सीता जी घबराने अलग उठी देख के बजरंगी लगे सीता को समझाने तो अंगूठी दे समझाने कि पलट कर देख सीता ने पलट कर देख सीता ने पलट कर देख सीता ने इंतजार करता हूं ठीक भैया।